बड़ी
ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ऐसे है तो लिखा है, तो ये इसके आगे से एक खड़ी पाई और फिर आगे से उड़ाई, तो जो जो मात्रा आगे से उड़ाई होगी एक खड़ी पाई का वो छोटी होगी, किसकी होगी? छोटी। अगर ये क है और इसके पीछे क के बाद अगर हम खड़ी पाई करके ऐसे टोपी लगाते हैं तो ये बड़ी होगी। अगर भूल जाते हो तो याद रखो, प्रेयर में खड़े होते हो ना तो आगे कौन से बच्चे लगते हैं, छोटे की बड़े? छोटे। छोटे आगे छोटे बच्चे लगते हो, पीछे बड़े बच्चे। उसी तरह आगे से जो मात्रा लगेगी वो छोटी ही की होगी और पीछे से जो मात्रा लगेगी वो बड़ी। समझ में आया? और दोनों को पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होगा ना। इसको पढ़ेंगे की, इसको की क्या पढ़ेंगे? बड़ी की लगा दें तो इसको बहुत आराम पड़ेगी। क्या पड़ेगी? समझ में आई बात?
पद्धति